राजधानी लखनऊ के महिला विद्यालय इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य पूनम खन्ना ने स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम से बातचीत करते हुए बताया कि हमारे हाई स्कूल में कई प्रकार के विषय का अध्ययन हमारे टीचर्स के द्वारा कराया जाता है, जिसमें शासन के द्वारा 8वीं तक की छात्राओं को निःशुल्क कॉपी, किताबें व यूनिफॉर्म प्रदान की जाती है व सरकार के द्वारा चलाए गए मिड डे मील में एजेंसियों के माध्यम से अच्छा भोजन प्राप्त हो रहा है। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स को लेकर विशेष ध्यान दिया जाता है और NCC व स्काउट गाइड की भी क्लास होती है। लखनऊ से संवाददाता रोशनी सोनकर की रिपोर्ट। स्वतंत्र प्रभात समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संवाददाता रोशनी सोनकर के साथ आज हम लोग आए हैं महिला इंटर कॉलेज में। हमारे बीच मौजूद हैं प्रधानाचार्य मैम। आपका नाम? पूनम खन्ना। जैसा कि मैम आप इस विद्यालय में कितने समय से हैं और प्रधानाचार्य प्रिंसिपल का जो पद होता है औहदा विद्यालय में बहुत अहम होता है, तो आपको कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा, तो किन किन चुनौतियों का सामना करते हुए आपने कैसे इस विद्यालय को मैनेज किया, आपकी आप विस्तार से जानकारी दीजिए। मुझे 10 साल हो गए हैं एज ए प्रिंसिपल और 1988 में मैंने यहाँ ज्वाइन किया था एज ए लेक्चरर मनोविज्ञान के उसमें, और यहीं पर फिर मैंने जो है वो कमीशन फेस किया और यहीं पर मेरा जो है वो प्रिंसिपलशिप हो गई। तो 2014 से मैंने जो है वो एज ए प्रिंसिपल यहाँ पर महिला विद्यालय में ज्वाइन किया और तब से लेकर 10 साल हुए मुझे। इसी साल मेरा रिटायरमेंट भी है 31 मार्च 2024 में, और बहुत अच्छे से मैंने जो है वो विद्यालय को चलाया जैसे मैं समझती हूँ, लेकिन हाँ चुनौतियाँ बहुत आई हैं मैनेजमेंट के संग और प्लस जो है वो स्टाफ के संग और डिपार्टमेंट के संग, तीनों के संग कोऑर्डिनेशन बैठाने में बहुत सारी चीज़ प्रॉब्लम्स आई हैं, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ अपने मैनेजमेंट का भी और अपने स्टाफ का भी, तो उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, तो मुझे कोई विशेष दिक्कत इस तरह से नहीं हुई है, लेकिन छोटी बहुत जो चुनौतियाँ हुई हैं उसका मिल के सबने जो है वो सामना भी किया है। आपके विद्यालय में कितने शिक्षक शिक्षिकाओं का स्टाफ है और कुल छात्राओं की कितनी संख्या है? हमारे विद्यालय में जो है 35 टीचर्स हैं अभी, वैसे तो 40 थे लेकिन अभी 5 टीचर्स जो तदर्थ वाले थे उनकी नौकरियां समाप्त कर दी हैं सरकार ने, तो अब 35 टीचर्स रह गए हैं और करीब हमारा 1300 करीब जो है वो बच्चा है। आपके विद्यालय में कौन कौन से वर्ग हैं और कौन कौन से वर्ग में कौन कौन से विषय आपके टीचर्स द्वारा पढ़ाए जाते हैं और आप कौन से विषय का अध्ययन अपने द्वारा छात्राओं को कराती हैं? हमारे यहाँ मानविकी वर्ग है और विज्ञान वर्ग है। कॉमर्स के लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं, अभी हमको मान्यता नहीं मिली है, तो 2 वर्ग अभी हमारे यहाँ चल रहे हैं। और जो हमारी मानविकी वर्ग है उसमें सभी विषय हैं हमारे, इवन संगीत भी है, तबला भी है, आर्ट भी है, हिंदी इंग्लिश, सारे कोई भी विषय ऐसा नहीं है जो हमारे विद्यालय में ना हो। और विज्ञान में भी मैथ्स बायो दोनों ही चल रहे हैंगे, और मेरा जो विषय है वो मानविकी वर्ग में मनोविज्ञान है और मैं मनोविज्ञान पढ़ाती हूँ बच्चों को। शिक्षा के अलावा और भी अदर एक्टिविटीज़ पे आपके विद्यालय में विशेष ध्यान दिया जाता है क्या? हाँ, उसके अलावा भी जो है वो हमारे यहाँ जो है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह होते रहते हैं, प्रतियोगिताएं हो रही हैं, निबंध प्रतियोगिता है, वाद विवाद प्रतियोगिता है, सरकार की तरफ से जो भी जो स्कीमें चल रही हैं, जो भी प्रतियोगिताएं होती हैं कि जो आते हैं कार्यक्रम चल रहा है उसके अलग कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं। हिंदी की भाषा का जो है वो जब इनका जो सप्ताह चलता है उसमें भी हमारे बच्चे जो हैं प्रतिभाग करते हैं और उसमें जो है वो पुरस्कृत भी होकर आए हैं। शासन द्वारा जो मिड डे मील का कार्यक्रम आयोजन हुआ है और पाठ्य पुस्तक निःशुल्क जो बेसिक शिक्षा फ्री कर दी गई है और यूनिफॉर्म, तो क्या आपके विद्यालय में भी छात्राओं को इसका लाभ प्राप्त होता है? हाँ, मिड डे मील आता है हमारे यहाँ और जो निःशुल्क पुस्तकें हैं। मिड डे मील के भोजन की क्वालिटी कैसी है? सामान्य है, बहुत अच्छा तुम नहीं कहेंगे, जब उनको टोका जाता है तो एक आध दिन अच्छा आ जाता है, उसके बाद फिर वो नॉर्मल ही रहता है। बतेरे बच्चे तो हैं खाते नहीं कि नहीं जो है दाल बहुत पतली है या सब्जी जो है वो बहुत पतली है, तो ये है आकर मैं भी बीच में चखती हूँ मैं उनका सामान जो भी वो लेकर आते हैं। तो मिड डे मील कौन सी एजेंसी द्वारा आता है? ये छत्तीसगढ़ की एजेंसी के द्वारा जो है वो प्रस्तुत किया जा रहा है। और मैम जैसा कि पाठ्य पुस्तक और यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म तो कई 2-3 वर्षों से नहीं उसका पैसा आया है और निःशुल्क पुस्तकें तो मिलती हैं लेकिन समय पे के बाद मिलती हैं और पूरी तरीके से मिलती भी नहीं है कि बच्चों लाभान्वित नहीं हो पाते, और पिछले वर्ष में तो इस वर्ष में तो आई ही नहीं है।
तो कैसे क्या मैम होता है फिर बच्चों की पढ़ाई को लेकर? हम लोग जो हैं वो जो पुराने हमारे जो पास आउट बच्चे होते हैं, हम उनसे किताबें ले लेते हैं, वही बच्चों को करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, कुछ फोटोकॉपी कराकर बच्चों को देते हैं। इस साल तो बहुत दिक्कत आई है। जैसे कि मैम आने वाले समय में गणतंत्र दिवस है, जो कि हमारे देश का बहुत अहम फेस्टिवल माना जाता है, तो इस अवसर पर आप अपने देशवासियों को, विद्यालय की शिक्षिकाओं को और छात्राओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही संदेश देना चाहते हैं बच्चों को कि जो है वो जो स्वतंत्रता दिवस है और गणतंत्र दिवस जो हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं, और 2 अक्टूबर देश के प्रति जो है समर्पित रहें और जो है वो अपने देश से प्रेम करें, वो मेन इम्पॉर्टेंट है। मैम मेरे में और मेरे स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम की तरफ से आपको और आपके पूरे स्टाफ को बहुत बहुत शुभकामना। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। कैमरा वुमेन पूर्णिमा सोनकर के साथ, संवाददाता रोशनी सोनकर।